अब तो बोरी भर भर के हो रहा है भ्रष्टाचार, जिसकी जानकारी होने के बावजूद भी नहीं है कोई देखने और सुनने वाला, जिसका फायदा उठाकर चुनिंदा ठेकेदार और कुछ चहेते रसूखदार लोग विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों से मिलकर बेखौफ सरकार के सरकारी सामान को बेचकर आए दिन मोटी ताजी रकम लूट रहे हैं। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंचकुला सेक्टर 23 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग जिसका प्लॉट नंबर 463 है और यहाँ पर नॉट फॉर सेल की मोहर लगी सीमेंट की करीब 100 से ज्यादा बोरियां सरेआम देखने को मिली। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक निजी बिल्डिंग के निर्माण कार्य में नॉट फॉर सेल यानी कि सरकारी सीमेंट की खेप का मिलना, जिसका कि बाजार में बिक्री पर रोक है। इसके साथ ही हैरत की बात तो ये देखने को मिली जब इस सीमेंट की बोरियों को ढोने के लिए पंचकुला नगर निगम की एक गाड़ी का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। जब इस नगर निगम की गाड़ी का इस्तेमाल इस तरह से एक निजी बिल्डिंग के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट को ढोने के लिए किया जा रहा है, तो इसका अंदेशा लगाया जा सकता है कि इस मामले की जानकारी नगर निगम पंचकुला को तो जरूर होगी। जब नॉट फॉर सेल की मोहर लगी सीमेंट की बोरियां एक निजी बिल्डिंग से मिलती हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये सीमेंट कहां से लाया गया और कौन कौन है जो इस चैन में शामिल हैं और सरकार को लगातार बेखौफ होकर चूना लगाने में आतुर हैं। अरे कोठी आप ही की है? हाँ, कोठी तो हमारी ही है। क्या नाम है भैया? कोई मैं आपसे रिंकू नाम है भाई। रिंकू जी, सीमेंट जो है ये आपका नोट फोर सेल आया है, सीमेंट कहाँ का सीमेंट है ये? ये हम बाहर से लेके आए हैं, कोई यहाँ से कोई लेके आए? कहाँ से लेके आए? नहीं भाई, हम सरकारी क्यों यूज करेंगे यार? हमने तो कहा ही नहीं सरकारी है, सेल लिखा हुआ है इसके ऊपर। हमने तो कहा नहीं आपको कि फोर से आपका ये है कि आपने कोई बाहर से खरीदा है, कहाँ से खरीदा है? हम तो ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से खरीदा है आपने, और ये सीमेंट क्या सरकारी तो नहीं है? ना सरकारी नहीं है। कहाँ से लिया है? कोठी नंबर क्या ये? कौन सा ये? ये 463 सेक्टर। ये आपके नाम पे कोठी है? नहीं, आप समझाने पहले आप कह रहे हो ड्राइवर हो, फिर कह रहे हो कोठी मेरे नाम पे। तो भाई हम ये कोई सरकारी लगा के कोई ना घर बनाएंगे। हमने बोला आपको कि सरकारी है जी, आप बार बार बोल रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो नोट फोर सेल लिखा हुआ है इसके पूछ रहे हो आप, बोल रहे हो कि ये गवर्नमेंट है? हाँ, नहीं मैंने कहा नोट फोर ये गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, और प्लॉट आपके नाम पे है? प्लॉट हमारे और किसी के नाम हो। अच्छा, किसी के नाम हो। प्लॉट बताएंगे नहीं किसके नाम पे है? किसके नाम पे प्लॉट नहीं बताओ, किसके नाम पे है ये? तो प्लॉट का क्या भाई, देख लो आप, नंबर ये लिख रखे हैं 463 नंबर प्लॉट है। चलिए बता दो आप। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब इस पूरे मामले को लेके निगम अधिकारी ने भी संज्ञान लिया और जब हमारी टीम ने निगम अधिकारी दीपक सूरा से फोन पर बातचीत की, तो उनका कहना था कि जो ये गाड़ी जिस पे नोट फॉर सेल की मोहर लगे सीमेंट की ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, वो नगर निगम पंचकुला की नहीं है, बल्कि नगर निगम के लिए काम करने वाले एक निजी ठेकेदार की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जब इस मामले की शिकायत प्राप्त हुई है, तो इस गाड़ी को निगम के द्वारा वापस ले लिया जाएगा और पूछताछ भी की जाएगी। अब निगम अधिकारी दीपक सूरा की माने तो नोट फॉर सेल या यूं कहें कि सरकारी सीमेंट को ढोने में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी नगर निगम पंचकुला की नहीं है, तो फिर सवाल ये उठता है कि इन गाड़ियों पर जिस कंपनी को निगम के द्वारा ठेका दिया गया है, बजाय उसका नाम लिखने के नगर निगम पंचकुला के नाम और बैनर का इस्तेमाल क्यों और किस अधिकार से किया जा रहा है? निगम के बैनर का इस्तेमाल कर जब एक ठेकेदार इस तरह के काम करता है, तो इससे निगम की छवि भी धूमिल होना स्वाभाविक है। पंचकुला की जनता इन गाड़ियों को आज भी ठेकेदार की नहीं बल्कि भ्रमित होकर इन्हें आज भी नगर निगम पंचकुला की समझी बैठी है, क्योंकि इन गाड़ियों पर कहीं पर भी किसी ठेकेदार का नामो निशान या उसकी कंपनी का नामो निशान तक नहीं है, अपितु नगर निगम पंचकुला का नामो निशान मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाया गया है। अरे कोठी आप ही की है? हाँ, कोठी तो हमारी ही है। क्या नाम है भैया? कोई मैं आपसे रिंकू नाम है भाई। रिंकू जी, सीमेंट जो है ये आपका नोट फोर सेल आया है, सीमेंट कहाँ का सीमेंट है ये? ये हम बाहर से लेके आए हैं, कोई यहाँ से कोई लेके आए? कहाँ से लेके आए? नहीं भाई, हम सरकारी क्यों यूज करेंगे यार? हमने तो कहा ही नहीं सरकारी है, सेल लिखा हुआ है इसके ऊपर। हमने तो कहा नहीं आपको कि फोर से आपका ये है कि आपने कोई बाहर से खरीदा है, कहाँ से खरीदा है? हम तो ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से खरीदा है आपने, और ये सीमेंट क्या सरकारी तो नहीं है? ना सरकारी नहीं है। कहाँ? क्या सरकारी सीमेंट के अवैध इस्तेमाल पर विभाग कसेगा शिकंजा? अब यहाँ पर यह सबसे बड़ा सवाल है। नॉट फॉर सेल की मोहर लगे सीमेंट की बोरियां बड़ी तादाद में मिलना और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सरकारी सीमेंट है। इसके साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके अंदर अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत ना हो। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आम आदमी के खून पसीने कमाई से जमा किए गए टैक्स से खरीदे गए सीमेंट को कोई कैसे अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? अब इस मामले की जानकारी अगर पहले निगम को नहीं होगी, तो अब उम्मीद है कि इस मामले का संज्ञान लेने के बाद इस तरफ अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों पर तुरंत कार्रवाई करवाई जाएगी।
इस मकान मालिक से भी इसकी रिकवरी जरूर की जाएगी। इसके साथ ही नगर निगम के बैनर का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश जरूर लगाया जाएगा और निजी ठेकेदार के नाम के बैनर का इस्तेमाल करवाया जाएगा।